गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रिएट फूड जिसमें से फूड की बातें। एज यू ऑल नो यू नो विंटर्स आर कमिंग, इट्स टाइम टू सिट इन अ कोजी ब्लैंकेट, हैव यू नो हॉट कॉफी, टी, सूप, राइट? सूप्स लाइक टोमेटो सूप, कॉर्न सूप, मशरूम सूप, राइट? यू नो बच्चे सूप पीते नहीं है लाइक मी, मैं भी सूप लाइक पीती हूं, यस, बट दिस सूप मशरूम सूप पीके आई वाज लाइक दिस इज द बेस्ट सूप एवर। सो ऑल द मॉमीज आउट देयर, दिस इज द बेस्ट सूप फॉर योर चिल्ड्रन, मेक दिस एंड लेट चिल्ड्रन लव दिस सूप, यस। सो लेट्स सी व्हाट्स द रेसिपी ऑफ मशरूम सूप। गाइस मशरूम सूप बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 कप मशरूम, हमने उसको स्लाइस शेप में कट कर लिया है। देन सेकेंड में हमने अनियन लिया है, 1 स्मॉल अनियन को हमने स्लाइस शेप में कट किया है। एंड थर्ड इज हमने 4 to 5 गार्लिक के पीसेस लिए हैं, आपको डालना है आप डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, उसके अच्छा फ्लेवर आता है, बाकी योर विश। तो हमें इन सबको बटर में सौते करना है। गाइस हमारे मशरूम, अनियन और गार्लिक जो है वो सारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने ना थोड़े से दूसरे बोल में बचा के रख लिए हैं गार्निशिंग के लिए। तो अब क्या करेंगे कि हमें इन्हें ग्राइंडर में ग्राइंड करना है और फाइन पेस्ट बनानी है इनकी। तो गाइस हमने जो वो इंग्रेडिएंट्स की पेस्ट थी वो बना ली है, वो थिक पेस्ट थी इसलिए हमने उसमें थोड़ा दूध डाला था ताकि वो अच्छी यू नो पेस्ट फॉर्म में बन सके। आप पानी भी डाल सकते हो पर दूध डालने से फ्लेवर और कलर अच्छा आता है। तो अब गाइस हमारा मशरूम सूप जो है वो रेडी है। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास यू नो घर पे क्रीम नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हो। आपको क्या करना है, आपको 1/2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल के उसको पानी में मिक्स करना है एंड देन वो सूप में डाल देना है ताकि वो एज क्रीम जैसा वर्क करेगा, उसकी कंसिस्टेंसी सही जाएगी। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर सूप के ऊपर मशरूम्स जो है वो गार्निश कर दिए हैं, जो हमने बचा के रखे थे ये वही वाले हैं। तो हमारा मशरूम सूप जो है वो रेडी है। सो आवर टेस्टी टेस्टी मशरूम सूप इज रेडी, सो आई एम गोना हैव इट। यस वेरी क्रीमी टेस्टी, वेरी टेस्टी। आई मस्ट टेल यू शुड ट्राई दिस रेसिपी, you love it guys, it's amazing, see this, it's too good, you should definitely try this recipe and comments mein mujhe batana kya aapko lagi, kaisi lagi recipe। okay please like share and subscribe to my channel, bye।